बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। इस वीडियो में हम आपको जस्टिस फाइज ईसा और सदीक जान के दरमियान होने वाले मुकालमे पर दिलचस्प मालूमाती ट्वीट्स, तबसरे और क्लिप्स दिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं। कहां से आए ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके? हमीदा, किसने पहनाए हैं ये झुमके? कहां से आए हैं ये झुमके? तुम्हारे खुले बालों में क्यों अटके हुए हैं ये झुमके? तुम्हारी आंखों से क्यों बह रहे हैं ये झुमके? क्या कह रहे हैं झुमके? क्या बता रहे हैं झुमके? इस वक्त पाकिस्तानी कौम की भी बिल्कुल यही हालत है जिस वीडियो में परेशान इस शोहर की है। अगर इसकी बीवी अपने शोहर को बता दे कि ये झुमके कहां से आए, तो फिर शोहर को क्या जरूरत है शक करने की? लेकिन अगर बीवी शोहर को कुछ भी न बता सके, बल्कि उल्टा झुमके देने वाले माशूक के साथ फरार हो जाए, तो शोहर को भी सब्र कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं सदीक जान और फाइज ईसा के दरमियान होने वाले तल्ख जुमलों के बारे में। कोर्ट रिपोर्टर सदीक जान, जो यूट्यूब पर अपने एक चैनल भी चलाते हैं, मुल्की सियासी और अदालती मामलात पर अपना नुक्ता नजर पेश करते रहते हैं, इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग सदीक जान के ट्रेंड के तहत अब तक हजारों ट्वीट्स हो चुकी हैं। इस ट्रेंड के पीछे मामला जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के दौरान पेश आने वाला वाकया है, जिसमें सदीक जान के बकौल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन्हें कमरे अदालत में तजही का मेज रवैये का निशाना बनाया और इनसे इनके मजहब के बारे में सवाल किया। ये क्लिप देखें। बिल्कुल पहली लाइन जो है उसमें मैं बैठा हुआ था, काजी साहब ने मुझे देखा, इशारा किया, यूं ये यूं इधर से मैं करता हूं ना, यूं इशारा किया। अच्छा, मैं एक और दोस्त ने मुझे वहां जो खड़े हुए थे, सदीक जान आओ फौरन। मैं अच्छा खड़ा हुआ, मैंने सोचा मैं जाऊं या ना जाऊं, ना मैं रुक गया जरा। काजी साहब मुझे बड़े तजीक आमेज रवैये में तकबर और रौनत के साथ कहते हैं, कहाँ होते हो, कहाँ काम करते हो? क्योंकि आपको पता है मैं बोल टीवी के साथ एज ए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट काम कर रहा हूँ और मैं बोल के एक प्रोग्राम में भी होता हूँ जो डॉक्टर फिजा अकबर साहब का 10 बजे। तो मैंने कहा जी बोल न्यूज़ में। अच्छा, कहते हैं दुश्मनी को मेरे साथ? मैंने कहा नहीं सर, मुसलमान हो? बड़े तजीक आमेज लहजे, मुसलमान हो? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, सच बोला करो। मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा, मैं ये बात करके वहाँ से आ गया, तो वहाँ जब मैं आया तो मेरे कुछ दोस्त थे, वो मुझे कहने लग गए कि आपको ना जवाब देना चाहिए था उनको, आपको उनको ये क्या बात है ये वो। मैंने कहा यार देखें, बात ये होती है कि बड़े हैं, मुनासिब नहीं है कि मैं वहाँ पे कोई ऐसा जवाब देता कि जैसे। ट्विटर पर इस ट्रेंड के तहत लातादाद ट्वीट्स हो चुकी हैं, जिसमें सोशल मीडिया सार्फिन सदीक जान से डट जाने और इनके साथ खड़े रहने का इजहार कर रहे हैं। नौजवान सहाफी अदील वड़ाइच ने इस ट्रेंड के साथ ट्वीट किया, जो देखते ही देखते टॉप ट्रेंड बन गया और सदीक जान भी डटे हुए हैं। पहले सदीक जान का ये ट्वीट देखें। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बगैर तहकीकात के खत्म। मुख्तसर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का एहतसाब नहीं हो सकता। उस्मान सईद बसरा ने सदीक जान के बारे में लिखा, सदीक जान आपको जवाबन कहना चाहिए था, मेरा नाम मेरे बाप ने सदीक रखा है, मैंने तो बाप के रखे नाम की लाज रखी। आपका नाम भी बुजुर्गों ने कुछ सोच समझ कर रखा होगा, मगर आपने तो नाम की लाज भी न रखी। पहले सुनते थे कि कोई झूठ बोले, चोरी करे, बुराई करे, तो लोग कहते थे क्या तुम मुसलमान हो, और अब नया रवाज निकल पड़ा, कोई हक और सच की बात करे तो पूछा जाता है तुम मुसलमान हो। उस्मान सईद बसरा ने मजीद लिखा, बने हैं अहले हवस, मदई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किसे मुनसिफी चाहें। तारक नतीन ने कहा, आने वाले दिनों में काजी मजहब जानकर बल्कि पूछ कर फैसले और फतवे देंगे। इंसाफ का कोई मजहब नहीं होता, इंसाफ नहीं देखता कि सामने मुसलमान खड़ा है, ईसाई खड़ा है, हिंदू खड़ा है, सिख खड़ा है, या बेदीन शख्स खड़ा है। इंसाफ इंसाफ देखता है, इंसाफ कभी मजहब नहीं देखता, इंसाफ कभी मजहब नहीं पूछता। रियाशमी ने लिखा, काजी फाइज ईसा ने सदीक जान की भरी महफिल में नाहक तोहीन की, अपने मनसब से छोटा काम किया, उम्मीद है वो अपने रवैये पर नजरसानी करेंगे। एंकर मुदस्सर इकबाल ने कहा, इज्जत और जिल्लत हमेशा अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंसान इस इज्जत और जिल्लत का सबब खुद बनता है अपने अमाल से। मोहतरम काजी साहब, फैसला तो हमें मालूम ही था कि क्या होगा, लेकिन आप जैसे बड़े रुतबे पर बैठा शख्स इतना छोटा ज़र्फ रखता होगा ये नहीं मालूम था। याद रखें, जब फाइज ईसा पर रेफरेंस दायर हुआ, इस वक्त एहतजाज ऐसे ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं चाहेगी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का एहतसाब हो, अगर ये रवायत चल पड़ी तो फिर तमाम जजेस के कारनामे अवाम के सामने आना शुरू हो जाएंगे। देखे मरियम नवाज ने इस फैसले पर क्या लिखा,
आज काजी फैज ईसा केस के फैसले में सबके लिए सबक है जो हक और सच के साथ खड़ा हो जाए और डरने से इनकार कर दे। जालम और जुल्म की पसपाई होती है, ये बहादुरी हम सब के लिए मशाल राह है। इरशाद भट्टी ने मरियम नवाज को जवाब दिया, अरे अरे ये क्या, यही सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ साहब को नाहल करे तो ना मंजूर, मगर यहीं से आपकी जमानत हो जाए तो मंजूर। यही सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को सादक और अमीन कहे तो ना मंजूर, और अगर यही सुप्रीम कोर्ट फैज ईसा के हक में फैसला दे दे तो मंजूर। दुख्तरे कायद, ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू क्यों? कालम निगार इरशाद भट्टी ने मजीद कहा, जस्टिस काजी फैज ईसा की तमाम नजरसानी अपीलें मंजूर, इनका मामला एफबीआर को भेजने का हुक्म कालादम, इनके खिलाफ एफबीआर की तमाम तहकीकात कालादम। 19 जून 2020 का सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला खारिज। पूछना ये था कि कहीं ये फैसला भी खलाई मखलूक की साजिश तो नहीं, और क्या अब यकीन आ गया कि हमारी अदालतें आजाद हैं? इरशाद भट्टी ने ऐलान करते हुए कहा, एक जरूरी ऐलान सुनिए, बताना ये था कि फैसले में बस ये लिखना बाकी रह गया था कि फलां साहब से रोजे क्यामत भी कुछ नहीं पूछा जा सकता। ऐलान खत्म हुआ। टीवी एंकर मलिहा हाशमी ने अपने ट्वीट में लिखा, कर्नल की बीवी ने पुलिस से बदजबानी की तो फौज ने कर्नल साहब को नौकरी से निकाल बाहर किया। जज साहब की बीवी से असासों की तफसील और सीधे मांगी गयी तो फैसला आ गया कि किसी भी जज से अब सवाल नहीं पूछ सकते। ये इन लोगों का हाल है, 24 घंटे रोते हैं कि फौज का एहतसाब नहीं होता। मलिहा हाशमी ने मजीद लिखा, मुशर्रफ ने सालों पहले इफ्तिखार चौधरी और इनके बाद आने वाले फितने को पहचान लिया था, कौम को सही खबरदार किया। कानून की रखवाली करने वालों को खुद कानून का कोई पास नहीं। इस मुल्क को गटर कहने वालों ने हमें अमली तौर पर दिखाया है कि हमारे मुल्क की निजाम को गटर किसने और कैसे बनाया। जो अदल जमीन पर नहीं होता वो अल्लाह की बेआवाज लाठी करती है। जो मामला जमीन पर इंसाफ ना पाए वहाँ कुदरत आज खुद नोट्स ले लेती है। इमरान राजा ने लिखा, जब मौसूफ चीफ जस्टिस बनेंगे तो क्या सरीना विलियम्स ऑटोमेटिक पाकिस्तान की वजीर आजम बन जाएगी? ओन जी गल की सी। फयाज राजा ने ट्वीट किया और लिखा, जज की बीवी कर्नल की बीवी से दो हाथ आगे, ब्रादर जजों ने अपनी भाभी की सुन ली। चंद नूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नंगे नाच रहे हैं। इनसे कहना है कि हमें अदलिया के तीनों फैसले कबूल हैं। पहला, काजी का एहतसाब नहीं हो सकता, कबूल। दूसरा, नवाज शरीफ चोर और मुजरम है। तीसरा, इमरान खान सादक और अमीन हैं। आप भी हिम्मत करें, बाकी दो भी कबूल करें। जमील फारूकी ने कहा, कानून के पेटी भाई, इंसाफ के पेटी भाई, अपोजिशन के पेटी भाई, हुकूमत के पेटी भाई, सहाफत के पेटी भाई, सियासत के पेटी भाई, सब के सब एक दूसरे को बचाने पर लगे हैं। जबर का मौसम कब बदलेगा? खुद बदलोगे तब बदलेगा। कालम निगार इरशाद अहमद आरफ ने कहा, कोई कानून दान रहनमाई फरमाएगा कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में इससे पहले कभी नजरसानी की दरख्वास्त पर जजों ने अपना फैसला बदला? भुट्टो नवाज शरीफ और तरीन की नजरसानी की दरख्वास्तें मुतफिका तौर पर मुस्तरद हुई। रोजीना खान ने सवाल किया, मेरा एक सवाल है नादरा से, मेरा एक शिनाख्ती कार्ड रोजीना के नाम से है, अगर मैं एक दूसरा कार्ड रुबीना के नाम से बनवा लूं, फिर दोनों नामों से बैंक अकाउंट्स खुलवाऊं, ट्रांजैक्शन भी करवाऊं, तो ये जुर्म तो नहीं, फ्रॉड तो नहीं, एफआईए के तहत मुझ पर एफआईआर तो नहीं बनती? अदल और इंसाफ की ताज़ा तरीन मिसाल। डॉक्टर मंसूर कलासरा ने लिखा, इस मुल्क में फैसला इसके हक में आता है जो सरेआम हुकूमत अदलिया और अदारों और फौज को गालियां देता है। साबिर शाकर ने कहा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक बाख्तियार और आईनी अदारा है, बस यही बताना था। दोस्तों पाक क्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।